Hello students, welcome to DACJ Home Classes. Jyoti Diwan is here with a new poem for you, A Roadside Stand by Robert Frost. Robert Lee Frost, an American poet, was born in March 26, 1874 in San Francisco, California in USA and died in January 29, 1963 in Boston. He was honored frequently during his lifetime, and is the only poet to receive four Pulitzer Prizes for poetry. He became one of America's rare public literary figures, almost an artistic institution. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works. On July 22, 1961, Frost was named Poet Laureate of Vermont. Let us have the introduction of the poem. The poem A Roadside Stand is Robert Frost's criticism of an unequal society where there is a lost division between the rich and the poor, the haves and the have nots, owing to the unequitous distribution of wealth. The poem depicts the clarity, the plight of the poor, and the complex dynamics of their existence. इट आल्सो सो फोकसेस ऑन द अनफॉर्चुनेट फैक्ट अनइक्वल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बिटवीन सिटीज एंड लेड टू पीपल। कवि क्रिटिसाइज करता है उस सोसाइटी को जिन्होंने अमीरों और गरीबों का विभाजन कर दिया है शहरों और गाँव के विकास में फर्क कर दिया है गाँव के लोगों के अंदर संकट और दुख की भावना पैदा कर दी है इस कविता में गरीब लोगों की दुर्दशा जताई गई है द पोइट कंट्रास्ट द पीपल हु लिव इन सिटीज एंड विलेजेस एंड दोज हु लिव इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री ही हाई द प्लाइट ऑफ द डिप्राइड विलेजर्स हु आर एकिंग फॉर सम मनी टू लीड अ प्रोस्परस लाइफ द लाइफ ऑफ द पुअर पीपल इज वेरी मिजरेबल बिकॉज दे आर इन असिटी ऑफ मनी

और खुशहाल जीवन जीने के लिए कुछ मनी के लिए तरस जाते हैं ये सिर्फ मनी ही है जो उनका लाइफ स्टाइल बेटर कर पाएगा उनके जीने के ढंग सुधर जाएंगे बट हैव नो मनी कभी इन गरीब विलेजर्स का पेन समझ रहा है वो एक झटके से इन ग्रामीण लोगों को इस दर्द से मुक्ति दिलाना चाहता है वो विश करता है कि काश एक झटके में कुछ ऐसा हो कि इन गरीबों का सब दुख दर्द दूर हो जाए डियर स्टूडेंट्स Now we will read the poem and its explanation, Stanza wise. The little old house was out with a little new shed. In front, at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say, for a dole of bread. But for some of the money in the cash whose flow sports. The floor of cities from sinking and withering faint. Pathetically means means फ्लॉर withering means मुरझाने वाला सड़क के किनारे एक छोटा सा पुराना घर था इसमें बाहर की तरफ थोड़ा नया शेड जोड़ दिया गया था घर को एक्सटेंड कर दिया था सड़क की तरफ वह घर के सामने और सड़क के किनारे पर था सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां ऊपर नीचे होती रहती थी छोटे से शेड को सड़क किनारे स्टैंड के रूप में लगाया गया था स्टैंड मींस सड़क के किनारे पर लगाए गए ठेले या रेड़िया यद्यपि यह नया था पर बहुत दयनीय लग रहा था जिस पर दया की जा सके ऐसा लग रहा था ये कहना ठीक या उचित नहीं होगा कि रोटी के किसी भी ढोले के रूप में लगाया गया था इस ठेले को नगद पैसा कमाने के लिए लगाया गया था कवि व्यंग करते हुए कहता है कि नेशन की इकोनॉमी के लिए यू मनी का फ्लो होना हमेशा अच्छा लगता है अगर लोग इस तरह स्टैंड पर कुछ पैसा खर्च कर देते हैं तो देश को इस मनी से हेल्प होगी अ स्मॉल टाइम फार्मर लिटिल शेड इन पार्ट ऑफ हिस हाउस पास्ट इट द पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड अड आर इफ एवर एसाइड मोमेंट Then out of sorts, at having the landscape mawed with the artless paint, of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts or crook necked golden squash with silver warts, our beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, वाई keep your मनी दिस क्रॉसली एंड गो along? आर्टलेस means बिना किसी आर्ट या कला के मार्ड मीन्स किसी चीज का होना सुंदर दिखने वाली तेज स्पीड में चलने वाली गाड़िया इन स्टैंड की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती अगर कभी कोई गाड़ी के बाहर इन पर अपनी नजर डालता भी है तो वहाँ पर लगे साइन बोर्ड को देख कर परेशान हो जाता है जिस पर बिना किसी खूबसूरती के कुछ लिखा होता है वो स्टैंड किसी भी आने जाने वाले को अट्रैक्ट नहीं करते उन्हें लगता है कि स्टैंड वहाँ की नेशनल हाईवे की ब्यूटी को खराब करते हैं इन स्टैंड पे लगे साइन बोर्ड का काम है कि आने जाने वाले लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना कुछ साइन बोर्ड उन चीजों की तरफ संकेत देते हैं जो वहाँ स्टैंड पर बेचने के लिए रखे हुई हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। इन स्पेशल स्टैंड में जंगली जामुन या गोल्डन स्क्वेश हैं। माउंटेन सीन्स की ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं, जिन लोगों की नजर उन स्टैंड्स पर पड़ती है उनके पास मनी है पर वो सोचते हैं कि क्या उन्हें ऐसी जगह से शॉपिंग करनी चाहिए इसलिए वो अपनी मनी को बिना वहाँ स्पेंड किए अपने पास ही रखना चाहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं दे सी हा द लेटर एन एंड एस है That such badly painted signs spoil the beauty of the countryside. The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. So much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand. And ask for some city money to feel in hand. To try if it will not make our being expand. एंड गिव अज द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस दार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस कवि कहता है की उसकी शिकायत ये नहीं है की उन आर्टलेस साइन बोर्ड ने नैचुरल ब्यूटी को खराब कर दिया है बल्कि उसकी शिकायत उस दुख से है जो उन स्टैंड लगाए लोगों के ट्रस्ट के साथ धोखा हुआ है और उन गरीब किसानों ने कभी उसको खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं किया है वो किसान अपने मन में कहते हैं कि उन्होंने सिटी से बाहर दूर सड़क पर अपने स्टैंड खड़े किए हैं यहाँ उन्हें अपना सामान बेच कर कुछ मनी कमाने की उम्मीद है उन्हें विश्वास है कि इस तरह से अपने खेतों का सामान बेचकर वो जो मनी अर्न करेंगे उससे उन्हें अपनी लाइफ कुछ बेटर बनाने में हेल्प मिलेगी वो आस लगाए हैं उन्हें उम्मीद है कि इन स्टैंड से कमाया हुआ पैसा उन्हें वह जीवन देगा जो वो मूवीज में देते हैं। अपोजिशन पार्टीज़ का कहना है कि जो गवर्नमेंट है जिनकी पावर है वो उनके साथ ऐसा नहीं होने दे रहे लेकिन जब वही अपोजिशन वाले पावर में आते हैं, तब भी उनके साथ ऐसा ही होता है सब कुछ वैसा ही रहता है फिर दूसरी अपोजिशन भी यही बात कहने लगेगी वे पावर में आए लोगों को दोष देंगे और इस तरह से वे गरीब किसानों के लिए चिंता का विषय बनेंगे और इन गरीब स्टैंड लगाए किसानों की चिंता किए बगैर ही ये सियासी लोगों का खेल चलता रहेगा द पुअर फार्मर इज नॉट हर्ट दैट द पीपल डोंट नोटिस द स्टैंड बट ही इज हर्ट एट द वे ही इज ट्रीटेड एंड इग्नोर्ड इट्स इन द न्यूज दैट ऑल दिस पीटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swan over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day. डिस्ट्रॉय देअ स्लीपिंग एंड नाइट द एंशेंट वे डुअर्स मीन्स काम करने वाला बेनेफिशंट मीन्स परोपकार करने वाला दयालु भीड़ लगाना झुंड सोद मीन्स शांत करना मीठी बातों से खुश करना इन लाइंस में कवि बहुत बिटर बोलने वाला और हिस्टोरिकल हो जाता है वो उपहास करते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करता है कवि का कहना है कि न्यूज़पेपर में न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट गरीब किसानों को उनकी होल्डिंग्स उनकी संपत्ति या उनकी अचीवमेंट्स का भुगतान करेगी उन पे पेपर्स खाकर उनको निकल के गांव में बसाया जाएगा मूवी थिएटर्स और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर उनसे दूर नहीं होंगे कवि इनडायरेक्टली हमें ये हिंट दे रहा है कि जो पैसा किसानों को दिया जाएगा वह उनसे थिएटर और माल्स के जरिए वापस भी ले लिया जाएगा गरीब किसान इन पॉलिटिशियंस के प्रोमिस से बेचारे मूर्ख बन जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब उन्हें अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है उनका तो पूरा ध्यान अब सरकार रखेगी इस तरह लालची राजनेता गरीब का लाभ लागू करते हैं जिसको हम तर्स खाना समझते हैं वो सरकार का इन गरीबों से लाभ उठाना है असल में इन गरीबों से भी लाभ लेने की योजनाएं बन रही होती हैं। पॉलिटिशियंस बहुत काइंड और अच्छे दिल के होने का दिखावा करते हैं कभी इन पॉलिटिशियंस को लालची शिकार करने वाले जानवर और ड्रोन के झुंड कहते हैं उनकी दया भावना से दिखने वाले काम सब गरीबों को मोरख बनाने वाले होते हैं ये पॉलिटिशियंस इन गरीब किसानों को शांति से सोना सिखाते हैं परंतु एक्चुअल में रात को उनकी सारी नींद नष्ट कर देते हैं ये पॉलिटिशियंस जूठे वादे करके खुद तो आराम से सोते हैं दिन भर पर इन गरीबों को रात को भी नींद लेने के लिए नहीं छोड़ते इन स्टाइल, पुराने जमाने के स्टाइल की तरह जब पहले भी अमीर जमींदार गरीबों का सुख चैन छीन लेते थे आज भी उसी पुराने स्टाइल से आज के पॉलिटिशियंस इन गरीब किसानों की नींद सुख चैन सब खराब कर देते हैं द ग्रीडी पॉलिटिशियंस एंड फोर्स बेनिफिट्स ओपान द पुअर दे प्रीटेंड टू बी वेरी जेनरस एंड गुड हार्टेड। बट द पोइट कॉल्स देम ग्रीडी गुड डोअर्स बीस्ट ऑफ प्रे एंड स्वाम्स ऑफ ड्रोन्स ऑल देयर एक्ट्स ऑफ मर्सी आर एम टू फूल द पुअर दे सेल्स स्लीप ऑल डे बट लीव नो स्लीप फॉर द पुअर इवन ड्यूरिंग द नाइट Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are.

ये बचकाना इंतजार बेकार साबित होता है क्योंकि शायद ही कोई वहाँ स्टैंड पर रुकता हो वे खुली खिड़की के पास उदास चेहरों के साथ बैठे रहते हैं और दिन भर इंतजार करते हैं कवि कहता है कि इस वेट करने का दुख शायद ही वो सहन कर सकें कवि कहता है ये गरीब लोग ब्रेक की आवाज़ और रुकते हुई गाड़ी की आवाज के लिए प्रार्थना करते रहते हैं हजारों सेल्फिश लोगों की कारें वहाँ से गुजरती हैं। गरीब प्रार्थना करते हैं कि उनमें से किसी एक को तो वहाँ रुकना चाहिए और उनके सामान की कीमतें पूछनी चाहिए एक रुकता है पर स्टैंड के सामने के यार्ड को यूज करने के लिए ऐसा करने से यार्ड का घास भी उखड़ जाता है दूसरा वहाँ रुकता है सिर्फ ये पूछने कि ये रास्ता कहाँ जाता है कोई तो सिर्फ ये पूछने के लिए रुकता है कि उन्हें एक गैलन पेट्रोल चाहिए कार के लिए जब उन्हें पता चलता है कि इन गरीब किसानों के पास पेट्रोल नहीं है तो वो चिढ़ जाते हैं कवि टिप्पणी करता है कि कार आसानी से ये देख सकती है कि इन बेचारे गरीबों के पास पेट्रोल नहीं हो सकता पेट्रोल के लिए इस तरह का स्टिपिडिटी भरा क्वेश्चन करना कारों की ही मूर्खता बताता है द विंडोज ऑफ द फार्मर्स हाउस जस्ट एक टू हेयर द साउंड ऑफ अ कार स्टॉपिंग टू मेक सम They are always disappointed as the cars stop either to inquire about the police or about the gas stations knowing country money the country scale of gain the requisite lift of spirit has never been found or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke.

ये उन सब की एक कॉमन सी शिकायत है कवि कहता है कि एक झटके से इन गरीब किसानों का सारा दुख खत्म कर दिया जाए तो उन्हें बहुत राहत मिलेगी कवि कहता है कि किसान ऐसी पोजीशन में होने चाहिए कि अगर कभी कवि को कोई प्रॉब्लम या दुख हो तो ये किसान उसकी मदद कर सके दूसरे शब्दों में कवि चाहता है कि गरीब किसान मदद मांगने के बजाय दूसरों की मदद करने और उनके दुख को दूर करने की स्थिति में होने चाहिए द पोए इवन हैड अ चाइल्डिश डिजायर फॉर ऑल द पोअर टू बी डन अवे विद एट वन स्ट्रोक टू एंड देयर पेन बट ही न्यू दैट इट्स चाइल्डिश एंड वेन सो ही डिजाइड दैट समलीव हिम ऑफ हिज पेन बाई किलिंग हिम डियर स्टूडेंट्स सी द पोइटिक डिवाइसिस ऑफ द पोइम फॉर्म ऑफ द पोईम The poem has 56 lines divided in 6 stanzas. Style of the poem: The poem is written in a rhyme scheme of ABAB. Tone of the poem: The poem has a sympathetic tone. Metaphor: A figure of speech that directly refers to one thing by mentioning another. From the poem: "trusting sorrow" in the 17th line of the poem. Alliteration: the occurrence of the same letter are shown at the beginning of adjacent or closely connected words from the poem Greedy Good Doers, Beneficent Beasts. Personification A literary tool where you assign the qualities of a person to something that isn't human. From the poem A roadside stand that too pathetically pled. Transferred epithet अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सिंटेटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स इज इंटरचेंज फ्रॉम द पोइम पॉलिस्ट्रेफिक सेल्फिश का्स जब हम वाक्य के नियम के अनुसार कुछ शब्दों को उपमा देते हैं ऑक्सीमोरन आ फिगर ऑफ स्पीच कंटेनिंग वर्ड्स देट सीम टू कॉन्ट्राडिक ईच अदर फ्राम द पोइम ग्रीडी गुड डुअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट जब किसी स्पीच में ऐसे शब्द हों जो एक दूसरे के विपरीत लगे जैसे ग्रीडी गुड विपरीत होकर भी साथ हैं बेनिफिशियंट बीस्ट्स दयालु जानवर विपरीत होकर भी दोनों शब्द साथ हैं नाउ वी शेल कंक्लूड द पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन दिस पोइम अ रोड साइड स्टैंड हैज वेरी क्लियरली विजुलाइज द प्लाइट ऑफ द रूरल फोक

दोनों का एक साथ बराबर विकास होना चाहिए ताकि गांव का हर किसान खुशहाल जिंदगी बिता सके डियर स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट थैंक यू वेरी मच स्टे सेफ एंड हेल्दी